हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। एंड बहुत सारे बच्चे के मन में ये चल रहा होगा, जितने भी फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे, कि उनको मार्क्स इतने आ रहे हैं मिलाने के बाद, एंड उसके रैंक क्या होंगे। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में। वीडियो चालू करने से पहले मैं ये आप लोग को बता दूँ कि कोई इंसान ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट बता देगा कि अगर आप लोगों को 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके एग्जैक्ट रैंक क्या होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को उस नज़रिए से देखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट इसके अंदर कुछ भी होगा। जैसे मान लीजिए किसी को 130 आ रहे हैं, तो ये जरूर प्रेडिक्ट करा जा सकता है कि आप लोग 1 से लेके 50 के बीच में रहिएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लोग को 130 से ऊपर आ गए एंड आपका रैंक 2000 है, ऐसा नहीं होगा। ड्रास्टिक चेंज नहीं होंगे, हो सकता है थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो जरूर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एंड लास्ट में मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो अधिकतर बच्चे गलती करते, तो वो गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। तो मैं आप लोग को मार्क्स वर्सेस रैंक बताने वाला हूँ 2020 का वेबजी के एग्जाम के लिए। तो इस बार का जो पेपर था उसका टफनेस लेवल ज़्यादा था, और एक अपेक्षा 2018 में भी इसी तरीके से आप लोग के थोड़े बहुत टफनेस थे 2019 के कंपैरिजन में। तो अगर मार्क्स की बात करें, अगर आप लोग को 130 से अबव आता है या 135 के अबव आता है, तो आपके जो रैंक है 1 से लेके 50 के बीच में जरूर लाई करनी चाहिए, और करेंगे भी। अगर आप लोग को 120 से लेके 135 के बीच में आता है, तो रैंक जो रहने वाला है 50 से लेके 250 के बीच में आपके रैंक रहेंगे। अगर 110 से लेके 120 के बीच में आता है, तो 250 से 450 500 के आसपास रैंक रहने वाले हैं। अगर आप लोग को 100 से लेके 110 के आसपास आते हैं, तो आपका जो रैंक होगा वो 450 से लेके 950 के आसपास आपके रैंक होंगे। अगर 90 to 100 आ रहे हैं, तो आप लोग को 950 से लेके 1500 के आसपास रहेगा। अगर आप लोग को 80 से 90 के बीच में आ रहे हैं, तो 1500 से लेके 1900 के बीच में रहेगा। वही अगर आप लोग को 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं, तो 1900 से लेके 2800 के बीच में रहने वाला है। वही अगर उससे भी और नीचे जाए, तो अगर आप लोग को 60 से लेके 70 के बीच में आ रहे हैं, तो 2800 से लेके 4800 और 5000 के बीच में आपके रैंक रहेंगे। अगर वही 50 से 60 की बात करें, तो 4800 से लेके 7800 यानी कि 7800 के आसपास रहेंगे, लगभग में 8000 के आसपास। वही अगर उससे भी नीचे जाएं, 40 और 50 के बीच में जाएं, तो 7800 से लेके 9800 के आसपास रहेंगे। उससे भी और नीचे चले जाएं, 30 से लेके 40 के बीच में, तो आप लोग को 9800 से लेके 14000 के बीच में, और उससे भी नीचे जाएं 20 से 30 के बीच में, तो 1400 से 20000 के आसपास आपके रैंक रहेंगे। ये जो मैंने रैंक बताया है, ये रैंक एकदम एक्सेक्ट नहीं है। ऐसा जरूर होगा कि आप लोग के, मान लीजिए अगर आप लोग को 65 नंबर आते हैं, तो ऐसा जरूर होगा कि आप लोग को 3000 या 3200 ऐसे आसपास रैंक रहे। तो एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन इतना आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप लोगों को 60 से अबव आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, 60 या 70 से अबव आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ना कोई सीट मिले। ये लगभग में है, और अधिकतर जो है, अगर आपके मान लीजिए 60 से ऊपर आ रहे हैं, 70 से ऊपर आ रहे हैं, तब तो चांस बनते हैं कि आप लोग को एक अच्छा कॉलेज मिले। अदरवाइज ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपको 20 भी नंबर आएंगे या 10 भी नंबर आएंगे, फिर भी आपको कॉलेज तो मिलेगा, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे जो सपना देखते हैं, अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज के, चाहे IIM की बात कर ले या हेरिटेज की बात कर ले या टेक्नो इंडिया की बात कर ले या जादवपुर गवर्नमेंट कॉलेज में जादवपुर की बात कर ले, KGS की बात कर ले, तो ये सब कॉलेज आपके 70 से अबव आएंगे, फिर ही कोई चांसेस बनेंगे। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि वेबजी में अगर उनको कोई भी रैंक आ जाए, तो वो डोनेशन पे करवा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे डोनेशन से करवाने के बाद भी बाद में रिग्रेट होता है कि काश 1 साल और तैयारी कर लेते। तो ये चीज़ आप लोग मत सोचिएगा कि आप लोगों को डोनेशन से आप लोग को IIM में जाना है या टेक्नो इंडिया में,
ये बहुत सारे बच्चे करते हैं एंड बहुत सारे आपको ब्रोकर भी मिल जाएंगे कि आपको मैं इतना लूंगा और आपका एडमिशन करवा दूंगा। तो इन सब चक्करों में आप लोग मत पड़िएगा। एंड एक और बात कि अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके जेईई मेंस के एग्जाम बाकी है, तो उस एग्जाम पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आपके वैसे खराब चले गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से सही करके आइएगा एंड आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो जितना भी इस रिग्रेट से बचिए कि खराब चला गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे बाहर निकल के आप लोग अपने बोर्ड का एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से दीजिए। एंड जेईई मेंस भी अभी बचा है तो उसको अच्छे तरीके से दीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको आपके लिए खुल जाए, ऐसा नहीं है जो आप वहीं पे स्टक हो जाए एंड ना इधर आप लोग को कॉलेज मिला ना उधर मिला। तो ये चीज़ ना करें। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल भी मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक के बनाए थे, तो उसको भी जाके आप लोग देखिए एंड बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड अभी जो है 2-3 महीना जो आने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, चाहे आप लोग जेईई मेंस के थ्रू कॉलेज लेना चाहें या फिर वेबसी में कॉलेज लेना चाहें। तो आप लोग अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में बहुत सारा डाउट होता है और वो डाउट क्लियर करने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके। और आप लोग कौन सा वीडियो चाहते हो वेबसी से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड क्या चाहते हैं, तो वो ज़रूर आप लोग कीजिए एंड जितना से जितना ज्यादा हो सके वो शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये जो डॉट होते हैं छोटी मोटी डॉट, वो बहुत सारे बच्चों के मन में होता है और जिसके कारण वो काउंसलिंग वक्त में या एडमिशन वक्त में गलती करते, तो वो सब गलती ना करें उसके लिए आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर जेन्यून आप लोगों का प्रॉब्लम होगा तो वो जरूर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्टेंट आप लोग के लिए अच्छा होगा एंड आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा।